नागरिकता संशोधन बिल लंबी बहस के बाद सोमवार रात लोकसभा में पास हो गया। इस बिल को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साधे हुए हैं, वहीं देश के बाहर भी इसकी चर्चा थम नहीं रही। पाकिस्तान को तो इस बिल से आफत थी ही, लेकिन अब अमेरिका ने भी इस पर आवाज उठाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने इस बिल को खतरनाक कदम बताया। हालांकि इस पर अमेरिका सरकार से कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मांग की है कि यदि दोनों सदनों में बिल पास होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाया जाए। आयोग ने आरोप लगाया कि बिल मुस्लिमों को छोड़कर बाकी प्रवासियों के लिए नागरिकता पाने का रास्ता खोलता है, यानी नागरिकता के कानूनी दायरे का आधार धर्म को बना दिया गया है। आयोग ने कहा कि ये गलत दिशा में खतरनाक कदम है। इसमें धर्म को आधार बनाए बिना कानून के सामने सभी को समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आयोग ने NRC पर भी टिप्पणी की और कहा कि आयोग को डर है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकता के लिए एक रिलीजन टेस्ट करा रही है जो लाखों मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीन सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।